हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, दूसरे स्विम बाय मनी, जिस पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आज वीडियो है, उससे पहले बोल दूँ, टेक्निकल लवली मनी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देना, उस पर ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ, डिटेल बताता हूँ मोबाइल्स के बारे में। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये है प्रोफेशनल स्विमिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं और प्रोफेशनल में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ, प्रोफेशनल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी ब्रीथिंग का पता नहीं होना चाहिए कि आपने ब्रीथिंग कब ली कब नहीं ली, बल्कि जो बाहर खड़ा है ना बंदा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप कंटिन्यू हाथ चला रहे हो और आपने सांस ले लिया। नॉर्मल इंसान को पता ना चले कब सांस ले लिया। ठीक है, सबसे पहले ये है। और दूसरी बात कि जब आप सांस लेते हो आपकी किकिंग नहीं रुकनी चाहिए। कई जनों की किकिंग रुक जाती है, क्या होता है, सांस लेते हो और पैर स्लो हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब प्रोफेशनली स्विमिंग दिखाते हैं आपको कि कैसे होती है। और यू नो किसकी दिखाने वाला हूँ, प्रज्वल की, जिसको चिंटू को दिखाने वाला हूँ, वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा प्रोफेशनली मोड आपको दिखा देता हूँ कि प्रोफेशनली प्रैक्टिस क्या होती है। कमेंट आते हैं कि मुझे हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड के लिए क्या होता है, नॉन स्टॉप राउंड मारो, उससे स्टैमिना बढ़ जाएगा। और अगर आपने टाइम तोड़ रहे हैं तो आपको छोट स्प्रिंटें मारनी पड़ेगी, जिसके कारण आपका टाइम टूट जाएगा और आपकी स्पीड में भी फ़र्क आ जाएगा। स्प्रिंटें क्या होती है, जैसे कि ये 25 मीटर का पूल है, आपने वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जान लगा के आपने स्प्रिंट मारनी है जहाँ तक आना है, और उस स्प्रिंट का टाइम नोट करना है कि कितनी देर में आपने, कितना टाइम आपने 25 मीटर कवर किया, 25 मीटर या 50 मीटर कितना कवर किया है। ठीक है, उसके बाद आपने और जोर लगाना है। वैसी स्प्रिंटें आप 10 मार सकते हो, 12 मार सकते हो, 15 मार सकते हो, ऐसी डिटेल बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टाइम कम करते जाना है। ठीक है, जैसे कि अब चिंटू की एज के हिसाब से देखा जाए तो उसका ये राउंड 16 सेकंड में ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब कि 25 मीटर 16 सेकंड में या 15 सेकंड में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा टाइम इतना ले सकता है। पर जो प्रोफेशनल रहते हैं, जिन्होंने नेशनल मेडलिस्ट रहते हैं, वो ये राउंड 13 सेकंड में सॉरी पूरा कर देंगे 25 मीटर का, 13 सेकंड में वो पूरा कर देंगे, 13 से 14 सेकंड में पूरा कर देंगे, जो एज कैटेगरी 4 आएगी, 4 एज कैटेगरी के। ठीक है जी, 4 एज कैटेगरी के, 2 के एज कैटेगरी के, मतलब कि 10 से 12 साल के बच्चे, वो जो नेशनल लेवल के होते हैं, वो इतनी देर में ये 25 मीटर पूल पूरा कर देते हैं। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्विमिंग दिखाते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। ये अंडर वाटर में कर रहा है, ठीक है, इसने फ्री स्टाइल के करने हैं अभी। तो इसने 40 राउंड मार लिए हैं, 40 राउंड मारने के बाद ब्रीथिंग का टाइम था। ठीक है फ्रेंड्स, चेक कर सकते हो कि ये सांस ले रहा है तो पता नहीं चल रहा है, सांस लेते समय आपने पीछे देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और याद रखना कि किकिंग और जो आपके हैंड मूवमेंट है वो सही होनी चाहिए। समर शॉट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, ये समर शॉट होती है जो कि यहाँ से मारते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, मैं सांस देख सकते हो कैसे लेना है, और किकिंग और हाथ कंटिन्यू चलने चाहिए। ठीक है, ये वार्म अप के लिए, मतलब कि स्टैमिना भी बढ़ाने के लिए, और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके 6 राउंड हो जाएंगे, उसके बाद जो स्पीड बढ़ानी है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हो, नॉन स्टॉप इसमें राउंड मारने हैं। तो जब आप नॉन स्टॉप राउंड मारोगे तो आपका स्टैमिना बहुत बढ़ जाएगा, मतलब कि इतना स्टैमिना बढ़ जाएगा कि आप 100 मीटर और 400 मीटर, मतलब कि अगर आपने लॉन्ग रेस करनी है, मतलब कि आप सोच करो 400 मीटर की रेस करनी है तो उसके लिए आपको लॉन्ग चाहिए। अगर आपने 50 मीटर करनी है तो उसमें आपको स्पीड चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हाथ आपने जितना आगे तक कर सकते हो उतना हाथ आपने आगे तक करना है। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे हम अगला स्ट्रोक, तो चलो अगले स्ट्रोक पर चलते हैं। ब्रीथिंग करने, मतलब कि राउंड कंटिन्यू मारने के बाद आपने ब्रीथिंग करनी है, जैसे कि ये डीप ब्रीथिंग वहाँ तक आ गया। ओके, ब्रेस्ट राउंड के 40 स्टार्ट कर, गो। हाँ, बैक के फ्री क्या हो गए थे ना, बैक के गो। तो फ्रेंड्स, इसका शेड्यूल बनाया हुआ है आज का कि फ्री मार रहा है, नहीं फ्री मारे है इसने अभी 40। ठीक है, उसके बाद हमने 6 एक्स्ट्रा मराया, अब ये बैक के करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बैक की इसकी डाइविंग इतनी है नहीं, प्रैक्टिस नहीं है खैर, पर डाइविंग में आप चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने डॉल्फिन में आपको दिखाया है वैसे ही करनी है। ठीक है, जब बैक में चेक कर सकते हो कि पैर और हैंड मूवमेंट आपकी सेम चलनी चाहिए। हैंड मूवमेंट आप क्या करते हैं कि फोल्ड नहीं करते, ऐस बनानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेक कर सकते हो आप, ये चीज़ आपने कंटिन्यू रखनी है। अब ये 40 राउंड इसके मारेगा, तो 40 राउंड अभी, मतलब कि 2-4 राउंड, मतलब कि ये तो आपको स्लो दिखा रहा हूँ, पर बाकी राउंड मैं इसके फॉरवर्ड में निकाल दूंगा, जो कि आपको रहेगा कि थोड़ा बहुत, मतलब कि ज़्यादा स्पीड में निकाल लूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो इसकी और फास्ट में क्या दिखाना, मैं आपको दिखा देता हूँ बस, ये इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। प्रैक्टिस में क्या होता है कि अगर हाथ पैर आपके सही चल रहे हैं तो आप थोड़ा सही रहोगे। बीच में मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि बीच में प्रैक्टिस चल रही है उनकी, बाकियों की। ठीक है, तो अभी आप चेक कर सकते हो, ये अभी बैक के 40 राउंड मारने हैं इसने नॉन स्टॉप। इससे क्या होगा कि हरेक जो स्ट्रोक है, इसके मेन स्ट्रोक मैंने चारों रखे हुए हैं, एक नहीं रखा समर शॉट, इसमें भी ऐसे ही बजती है, मतलब कि सीधे होके, पर इसमें अगर आप सीधे होके फिनिश करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना कि आपने जो डिस्क्वालीफाई नहीं होना, आपने जो करनी है किकिंग वो आपने इजीली करनी है, ठीक करनी है। ठीक है,
ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, तो इसलिए मुझे ये फॉर्मेट में दिखाना था कि रूटीन में अगर आप करते हो प्रैक्टिस, अगर आपने स्पीड बढ़ानी है फ्री स्टाइल स्विमिंग की, या फिर आपने किसी भी स्ट्रोक की स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपने अप्लाई करनी है वो मैं चीज़ बता देता हूँ, बीच में दिया गई थी उसके लिए सॉरी, पर क्या करें क्यूट है। तो फ्रेंड्स फ्री स्टाइल के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने आके कंटिन्यू पहले स्टैमिनर के ऊपर काम करना है। स्टैमिनर के ऊपर कैसे काम होगा, अगर आप आके कंटिन्यू 40, 50, 200 या ऐसे राउंड मारते हैं कंटिन्यू, एज के हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमने स्पीड बढ़ानी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टैमिनर। स्टैमिनर तभी आएगा जब आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप में आप अच्छे खासे राउंड मारोगे हर एक स्ट्रोक के, ठीक है। अगर आपको आते हैं, अगर आपका एक ही स्ट्रोक मेन है तो आप उसी के मेन मारोगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने स्पीड बढ़ानी है, उसके लिए आपको शॉर्ट स्प्रिंटें मारनी है, जैसे ये 50 मीटर की स्प्रिंटें मार रहे हैं, ठीक है। आपने देख सकते हो जो मैं फॉरवर्ड में निकाल रहा हूँ, ये 50 मीटर की स्प्रिंटें मार रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने एक किस्म की रेस टाइप आपने स्प्रिंट मारनी है, जिसमें आपने फास्ट जाना है और फास्ट आना है। अभी ये अलग अलग स्ट्रोक की स्प्रिंटें मार रहे हैं लगभग सारे की, क्योंकि चिंटू की चारों स्ट्रोक मैंने मेन रखे हुए हैं, इसका कोई भी ऐसा नहीं रखा कि हाँ अभी ये ब्रेस्ट में जाएगा या बटरफ्लाई में जाएगा या फ्री में जाएगा। इसकी जो वर्किंग हो रही है वो सभी में हो रही है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो फॉरवर्ड में ब्रेस्ट स्ट्रोक चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जब आपने स्ट्रोक बनाना है तो आपने 25 मीटर की, अगर आपके साथ दो तीन आपके फ्रेंड्स हैं या आप किसी और के साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तो आपको टाइम लैप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई साथ में आपका कोई बड़ा खींचता है तो उसके देख के जोर लग जाता है। बट अगर आपने अकेले में स्प्रिंटें मारनी है, अपना टाइम तोड़ना है, तो आपने एक बात चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हर एक स्प्रिंट का टाइम नोट करना है, ठीक है। और आपने काउंट करनी है कि आज मैंने 10 स्प्रिंटें मारनी, और 10 स्प्रिंटों में मिनिमम मेरा एक सेकंड तो टूटना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमेशा ऐसे स्प्रिंटें मारते हो, रोज स्प्रिंटें नहीं मारनी, एक बात नोट रखना है कि हफ्ते में आप 2 बार स्प्रिंटें मार सकते हो, और जो मेन टाइम है जो आप टाइम देना है जो आपने, वो हफ्ते में एक बार ले लो या 2 हफ्ते में एक बार टाइम ले लो। अगर जैसे मैं टेक्निक बता रहा हूँ अगर आप सेम वैसे करते हो तो आपका देखना आपकी स्पीड में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने स्विमिंग करनी है तो पेट आपका भरा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट बड़ा होगा स्प्रिंटे के दौर पर, जब हम स्प्रिंटे मारते हैं तो हमारा पेट बहुत खींचता है, जो भी आपने खाया होगा वो बाहर आ जाएगा, वोमिटिंग आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और पानी का भी आप एक घूंटी पीना है, वो भी तब जब आपको बहुत प्यास लगी, और वो भी नींबू पानी का, क्योंकि नींबू पानी क्या होता है प्रैक्टिस करते समय हमें बहुत पसीना आ जाता है गर्मियों में, पानी में पता नहीं चलता, जिसके कारण हमें घबराहट आने लग जाती है। कईयों को ऐसा होता है क्योंकि डाइट वो लेते नहीं है, स्विमिंग करने लग जाते हैं। और दूसरी बात की स्विमिंग का टाइम तोड़ने में, मतलब कि टाइम कम करने में, स्पीड बढ़ाने में, एक तो स्प्रिंटें होती हैं, ऊपर से एक ड्रिल्स होती हैं, इनकी अलग अलग ड्रिल्स होती हैं जो अलग अलग अपने पार्ट पे काम करती है, जैसे कि किकिंग करनी है अकेली, किकिंग करनी, उसके बाद हैंड वर्किंग अकेले की करने, ये चीज़ होती है ड्रिल्स, ठीक है। ड्रिल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, पर आज मोटिव था कि आपको नेशनल की प्रैक्टिस जैसे चलती थी तो टाइम ट्रायल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिंटू की टाइम ट्रायल के लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चिंटू को नॉर्मली प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी डाइट मैंने पहले बताया कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डाइट है। अगर कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है तो उसको डाइट उसी के हिसाब से चाहिए, ये ना हो कि डाइट बच्चा कम ले रहा हो और स्विमिंग है पेल रहे हो आप अच्छे से, हम जोर से मिलकर उसको स्विमिंग करा दो तो वो चीज़ गलत है। उससे क्या हो जाएगा, बच्चे की हाइट रुक सकती है, हार्मोन्स चेंज हो के कुछ भी इशू आ सकता है, मसल खींच सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ इशू रहते रहते हैं, क्या होता है कि कई बच्चे डाइट नहीं लेते और स्विमिंग करते रहते हैं तो क्या होता है कि नस खींचने लग जाती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हमारा पैर अकड़ गया, एक जहाँ सर्वाइकल होने लग जाता है, ये कमजोरी की वजह से बहुत होता है, और स्ट्रेचिंग ना करो तो भी होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये साथ के साथ आप चेक कर सकते हो कि चिंटू क्या क्या प्रैक्टिस कर रहा है फ्री स्टाइल, उसने कितने राउंड मारे हैं, उसके बाद स्प्रिंटें लग ली है 50 मीटर की, 100 मीटर की, 25 मीटर की, मतलब कि रेस लगा सकते हो कि आप रेस लग रही है एक किस्म की। ये चीज़ आपने कंटिन्यू करनी है अगर आपने अपना फ्री स्टाइल का या ब्रेस्ट का या स्टैम तोड़ना है। बट ये स्प्रिंटें होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने अगर टाइम तोड़ना है, अगर आपकी लॉन्ग रेस है, लंबी रेस है, सपोज करो आपने 800 मीटर मारनी है, तो आपको स्प्रिंट मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको काम करना है कि आपने लॉन्ग राउंड मारना है। बल्कि अगर आपने 800 मीटर का टाइम देना है तो आप टाइम तोड़ो 1600 मीटर का या फिर 2200 मीटर का, ठीक है। बल्कि मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आपने 8 राउंड मारने हैं 25 मीटर के, उसमें आपने टाइम देना है तो आपको मिनिमम 16 राउंड का टाइम तोड़ना चाहिए। अगर आप 16 राउंड का टाइम तोड़ लोगे तो आपका 8 मिनट का टाइम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब कि अगर आप सोच करो कि आप 8 राउंड मार के आपने मतलब कि 800
400 मीटर की रेस करनी है या 800 मीटर की रेस करनी है, तो आपको जो राउंड मारने हैं वो उससे डबल राउंड का टाइम नोट करना है कि मैं इतने राउंड कितने में मारता हूँ, उसके बाद दो कम करके उसमें टाइम अपने नोट करना है, और हमेशा जितनी बार भी अपने स्विमिंग करनी है उतनी बार टाइम नोट करना है। टाइम नोट करके आपने टाइम तोड़ना जरूर है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई है ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने हाथ पे वॉच लगा के जब भी आप स्प्रिंट मारे हो टाइम नोट करते रहना, ठीक है। बस यही टेक्निक होती है और ड्रिल्स होती हैं जो कि मैं बहुत आगे वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स वॉच द वीडियो, चलो वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बटरफ्लाई में जो गलती होती है कि ये मेरे क्या होता है कि अभी जिसमें चिंटू जो गलती कर रहा था मैं वो बताता हूँ कि स्विमिंग करते समय कई सोचते हैं कि हम फेस नीचे रखेंगे और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, इससे स्पीड बढ़ती है पर ये चीज़ टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। क्या होता है कि हमारा फेस पानी से बाहर नहीं आता, पानी के ऊपर ड्रैग बन जाता है जिसके कारण हमारी स्पीड डबल स्लो हो जाती है, डबल पावर लगती है, और ये चीज़ का हमें पता नहीं होता। ये चीज़ के लिए क्या करना होता है, जब हम बटरफ्लाई करते हैं तो फेस बाहर पूरा आता है, हल्का सा फेस मुँह मतलब कि थोड़ा सा अंदर रहता है, अदरवाइज़ वो होता है कि फास्ट वेव लेने के लिए, मतलब कि जल्दी वेव लेने के लिए, ऐसे ऐसे हम जल्दी कर सके, वो इसलिए होता है। तो जो थोड़ी बहुत मैंने रेस दिखाई है फॉरवर्ड में दिखाई है, बीच में 100 की और 50 की स्प्रिंटें भी थी। स्प्रिंटों में क्या होता है कि पूरी पावर से हमने 25 मीटर या 50 मीटर की स्प्रिंट जो भी कर रहे हो उसमें हमने पूरी जान लगा के अपनी टाइम देना होता है। तो नेशनल की टाइम ट्रायलिंग के लिए मतलब कि जो जाते हैं जाना है, हमने भी जाना है, बल्कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है पर फिर भी हमने जाना है क्योंकि थोड़ा रहता है कंपटीशन में थोड़ा रहता है। पर अदरवाइज़ इस बार चिंटू स्विमिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ हल्की फुल्की स्विमिंग कर रहा है क्योंकि इस बार उसकी डाइट पूरी नहीं है, तो बिना डाइट के स्विमिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात नोट रखना कि अगर आप प्रोफेशनली स्विमिंग कर रहे हो तो अपनी डाइट जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी है, ये दोनों चीज़ जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप सोचते हो कि कल स्विमिंग से काम चल जाएगा, नहीं, आपको एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी है, और देखो पीछे स्प्रिंटें चल रही हैं, आप चेक कर सकते हो। तो मैं वीडियो को एंड करने के लिए आ गया, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह आपको और वीडियो मिलती रहेगी। ये वीडियो थी थोड़ी प्रोफेशनली की, काफ़ी जने कह रहे थे कि आप थोड़ा प्रोफेशनली भी होने चाहिए, तो मैं सोचा थोड़ी दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ और वीडियो आती रहेंगी। बाय, और हैशटैग करके बताना कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट कौन से पार्ट पे बनाए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चैनल है मैं स्विमिंग बाय मनी, जिस पे आप स्विमिंग की वीडियो देख रहे हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ मोबाइल्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे भी जाके फॉलो कर लो। थैंक यू वॉच द वीडियो।